सबसे पहले इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सुब्रत पाठक जी, जो कि लोकसभा के सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के, और आपकी ओर से समाजवादी पार्टी के मद्देनजर बड़े सारे सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि उनको आमंत्रित क्यों किया गया, और अगर नहीं किया गया है तो बुलाए भी नहीं जाए। सुब्रत पाठक जी, आपने जिस तरह का तंज सपा को लेकर कसा है, उस पर डिंपल यादव की ओर से बयान सामने आया है कि बीजेपी के नेता ओछी राजनीति कर रहे हैं राम के नाम पर। देखिए चित्रा जी, ओछी राजनीति राम के नाम पर बीजेपी कर रही है कि ओछी राजनीति राम के नाम पर समाजवादी पार्टी ने की है? समाजवादी पार्टी ने निर्दोष राम भक्तों के ऊपर गोली चलवाई, उसकी हत्या कराई, और कितना भीमत्स हत्याकांड था उसको आज तक भूला नहीं जा सकता। और जिस प्रकार से आपने उसी समय की बात है जब मिले मुलायम कांतीराम, तो मैंने जय श्री राम को हवा में उड़ाओगे? यह समाजवादी पार्टी का गठबंधन था, उस गठबंधन में यूपीए गवर्नमेंट में किस प्रकार से हलफनामा दिया गया कि राम पूरी कल्पना, रामायण पूरा उपन्यास है। तो रामायण पूरा उपन्यास आप कहोगे, राम को सेतु तोड़ने की बात आप कहोगे, और फिर इस प्रकार की बात करोगे। राम भक्त बाबू कल्याण सिंह जी जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे, और उनके मृत्यु के बाद में उनके अंतिम दर्शन करने देश भर की बड़ी बड़ी हस्तियां आई। उत्तर प्रदेश के दो पूर्व मुख्यमंत्री, जो एक मुलायम सिंह जी और एक अखिलेश यादव, उनके अंतिम दर्शन को नहीं गए। क्यों नहीं गए? केवल तुष्टीकरण की राजनीति के चलते। तो मैंने एक राम भक्त जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, उनके अंतिम दर्शन को भी नहीं जाओगे? रामचरित मानस को आप जलवाओगे, राम को आप गाली दिलवाओगे, और फिर आप कहोगे कि हम राजनीति कर रहे हैं? या राजनीति या समाजवादी पार्टी ने जो किया है वो सब देख रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा कि आज तक जब जिस हत्या के लिए आज तक माफी भी नहीं मांगी, और जब तक माफी नहीं मांगते हैं इनको राम मंदिर ट्रस्ट से मेरा आग्रह है इनको बुलाया भी ना जाए, और यदि आप ही जाते हैं तो इनका मंदिर में प्रवेश निषेध कर दिया जाए। इस तरह से लोगों को भड़काने का काम नहीं कर रहे हैं ये बोलते हुए कि अयोध्या के लोग इनको घुसने नहीं दे, क्योंकि डिंपल यादव ने ये भी कहा है, वो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, बड़ी नेता हैं, उनकी ओर से कहा गया है कि अगर न्योता मिला तो जरूर जाऊंगी, और नहीं भी मिला तो मैं बाद में जाऊंगी। लेकिन आपकी ओर से क्या भड़काने का काम नहीं किया जा रहा है अयोध्या के लोगों को? नहीं देखिए, देखिए चित्रा जी, इसको भड़काना नहीं कह सकते, यह मेरी भावना है, एक हिंदू की भावना है। आज जिस प्रकार से आपने देखा कि एक और समाजवादी पार्टी के नेता ने अखिलेश यादव के कहने के ऊपर जिस प्रकार से आज फिर सुबह हिंदुत्व का अपमान किया और फिर हिंदुत्व के खिलाफ बयानबाजी की, तो माने आखिर यह सब क्या है? यह इंडी गठबंधन क्या हिंदुओं को समाप्त करने के लिए बना है क्या कि हिंदुओं को समाप्त कर दो? कोई कहता है कि हिंदू को समाप्त कर दो डेंगू मलेरिया के जैसे, और कोई यहाँ के ऊपर इस प्रकार की बयानबाजी करता है, तो यह सब क्या है? क्या अखिलेश यादव के संरक्षण में सब नहीं हो रहा है क्या? अखिलेश यादव के इशारे पर यह सब नहीं हो रहा है क्या? तो भड़काने का काम वो कर रहे हैं कि भड़काने का काम हम कर रहे हैं, राजनीति नहीं करते हैं। वहीं दूसरी तरफ अब आप डिसाइड करेंगे कि राम के नाम पर कौन कौन से लोगों को वहां पहुंचना चाहिए, ये काम तो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का है, उनको डिसाइड करने दीजिए। मेरी कुछ लोगों से बातचीत हुई, उनका कहना है कि जितने भी प्रमुख दल हैं उन सभी को आमंत्रित किया जाएगा। सीताराम येचुरी को आपने बुलाया, हालांकि उन्होंने मना कर दिया है आप लोगों पर राजनीतिक आरोप लगाते हुए नहीं जाने को। देखिए, ये राम मंदिर ट्रस्ट ने किसको बुलाया नहीं बुलाया उनका विशेषाधिकार है, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। मैंने है कि हिंदू भावना के अनुसार मैं पहले हिंदू हूँ, बाद में मैं सांसद हूँ, और इस हिंदू के नाते मैंने कहा है कि हिंदुओं की भावनाओं का अपमान जो किया गया, हिंदुओं को जिस प्रकार से वहां पर गोली मार चलाकर जो हत्याकांड किया गया आज तक देश नहीं भूला है, और इसलिए ये इनको ना बुलाया जाए तो इनको ही मुझे लगता है कि वो सबसे बड़ी श्रद्धांजलि उन मारे हुए राम भक्तों को होगी। कौन कौन सी और पार्टियां हैं जिसको लेकर आपको आपत्ति है, क्योंकि देश में छह राष्ट्रीय पार्टियां हैं जिनमें आम आदमी पार्टी भी है, सीपीएम भी है, बीजेपी है, कांग्रेस है, बीएसपी की भी, मायावती जी की भी पार्टी है, एक पीपी एक और क्षेत्रीय दल की जो अब राष्ट्रीय दर्जा हासिल रखी हुई है एनपीपी, तो और कौन कौन सी पार्टियां हैं जिसको बुलाने पर आपत्ति है? चित्रा जी, मुझे मुझे सिर्फ और सिर्फ जो आपत्ति है वो आपत्ति केवल इस बात पे है जिन्होंने राम भक्तों की हत्या कराई और आज तक उसके लिए माफी नहीं मांगी। रामचरित मानस को जलवाने की बात खुलेआम कर रहे हैं, राम का लगातार अपमान कर रहे हैं, ऐसी समाजवादी पार्टी जो राम भक्तों की हत्यारी है वो जब तक माफी ना मांगे इसको ना बुलाया जाए। बाकी कौन आता है कौन जाता है मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। मैंने तो यहां तक समाजवादी पार्टी ने किनारा कर लिया है, उसका कहना है हमारा कोई लेना देना नहीं, व्यक्तिगत बयान है ये उनका।
देखो ये व्यक्तिगत बयान, आप अगर व्यक्तिगत बयान है तो आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी से भी एक बयान इस प्रकार का हुआ था जिसमें कहा गया था कि किसी संप्रदाय विशेष को इससे ठेस पहुंची, हमारी पार्टी ने उसको पार्टी से निष्कासित कर दिया। लेकिन उसके बाद आप बताओ ये सर्वधर्म संभाव की यदि बात करते हैं तो हिंदुओं का अपमान करने वाला आखिर इनकी पार्टी में कैसे है? ये उनका व्यक्तिगत किनारा है, किसी की हैसियत है कोई इस्लाम को लेकर इनके इनके यहाँ टिप्पणी कर दे, ये उसको पार्टी में रख पाएंगे क्या? ये उनको नहीं रख पाएंगे। यही तो कह रहे हैं इनका यह दोहरा प्रवृत्ति है, यह इनका दोहरा चरित्र है। इनके अंदर जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि अखिलेश यादव कभी टोपी लगाते थे, आज टोपी वाला भी बगल में खड़ा होना हो पाए तो उसकी चिंता करते हैं। तो ये इस प्रकार के लोग हैं, ये केवल वोट की राजनीति करने वाले लोग हैं। सांसद जी ये बताइए, राम तो सबके हैं ना, वो किसी पार्टी विशेष के नहीं हो सकते। राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, वो सभी के हैं, तो इस पर इस तरह की पॉलिटिक्स क्यों हो रही है? आपने देखा होगा कि अभी अगर जो इस्लाम के ऊपर कोई बात कर दिया किसी ने मोहम्मद साहब का, तो कुछ लोग जाकर सर से गला काट देते हैं। राम का स्थान हमारे यहाँ उससे भी ऊपर है, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग बर्दाश्त कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो माने राम को कोई गाली देगा हम कब तक बर्दाश्त करते रहेंगे? अब बर्दाश्त की एक सीमा पार हो रही है। मैं निश्चित रूप से इसलिए मैंने आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को भी मैंने ट्वीट किया है कि तत्काल अखिलेश यादव के ऊपर FIR की जाए और इनके ऊपर कठोर कार्रवाई की जाए, इलेक्शन कमीशन इसको संज्ञान में ले। अखिलेश यादव के ऊपर किस बात को लेकर टिप्पणी तो उनके नेताओं की ओर से की जा रही है, तो फिर आप उनको क्यों निशाने पर ले रहे हैं? भाई जब टिप्पणी उनके नेताओं जो कर रहे हैं, उनके नेता उनके इशारे पर टिप्पणी कर रहे हैं चित्रा जी, ये उनसे कराई जा रही है क्योंकि तुष्टिकरण का वोट उनको चाहिए। वो तुष्टिकरण का वोट उनको तभी मिलेगा जब इस प्रकार से हिंदुओं को गाली दी जाएगी। तो वो एक और मंदिर जाने की नौटंकी भी करते हैं और दूसरी ओर उसको मंदिर में बैठे हुए हमारे भगवान का अपमान भी ये करा रहे हैं। धर्म विशेष को लेकर तो आपके भी सांसद लोकसभा के भीतर टिप्पणी करते हैं, उनके खिलाफ भी कोई एक्शन नहीं होता है सुब्रत पाठक जी? ये भी तो किसके खिलाफ, किसने धर्म विशेष को लेकर टिप्पणी की? हाँ। किसी ने धर्म विशेष को लेकर टिप्पणी नहीं की चित्रा जी, आज तक मेरी पार्टी में कोई कर ही नहीं सकता है। हम लोग तो सबका सम्मान करने वाले हैं, हम हिंदू हैं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा ना हम किसी दूसरे धर्म का अपमान करेंगे। हम किसी दूसरे धर्म का अपमान करने वाले लोग नहीं है हम के, लेकिन हाँ आप हम हमारे धर्म का कोई अपमान करें इसको भी बर्दाश्त नहीं करेंगे चित्रा जी। दानिश विधोड़ी जी को जानते हैं कि नहीं जानते आप, इसी पे बता देखिए दानिश जी की क्या प्रवृत्ति है चित्रा जी। आपको मालूम है दानिश जी की प्रवृत्ति को कौन नहीं जानता? हम लोग तो रोज संसद में बैठते हैं, हम तो देखते हैं किस प्रकार से दानिश हूट करता है, वह किस प्रकार का उसका चरित्र है। तो वो तो निश्चित रूप से अगर उसको विधोड़ी ने कुछ कहा तो गलत नहीं कहा, उसको विधोड़ी जी ने सही कहा। अब यही बात है ना कि आपके नेता कह रहे हैं तो वो सही है, दूसरे के नेता कह रहे हैं तो गलत है। ठीक है, कुल मिलाकर आपका ये कहना है कि सपा को न्योता अगर दिए जाने की प्लानिंग है तो आप इसका विरोध कर रहे हैं, आखिरी सवाल। और अगर ऐसा होता है फिर क्या करेंगे आप पाठक साहब? नहीं मैंने आग्रह किया, अगर मेरा आग्रह नहीं मानते तो हम क्या कर सकते हैं भाई? ट्रस्ट के हम तो मालिक नहीं है ना, हम तो ट्रस्ट से एक अपनी आग्रह कर सकते हैं। हमने किया भाई, हमने इसलिए किया कि हम लोग उस मंदिर आंदोलन से जुड़े हुए हैं, मेरा परिवार मंदिर आंदोलन से जुड़ा रहा है, तो हम लोगों को उससे श्रद्धा है, हमको राम से श्रद्धा है, हमको इस मंदिर आंदोलन से श्रद्धा है। आज जो मंदिर बन रहा है तो शायद मेरे लिए जीवन में इससे बड़ा चित्रा जी मेरे लिए तो कुछ हो ही नहीं सकता। क्या मैं हम लोग कक्षा 5 में पढ़ते थे तो रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं लगाएंगे बनाएंगे, मोहल्ले के छोटे छोटे बच्चों के साथ हम लोग नारा लगाते थे और वहां से हम लोग देखते हुए राम मंदिर आंदोलन आए हैं और उसके बाद आज ये पूरा हुआ। मेरे बाबा आंदोलन से जुड़े थे, आज दुनिया में नहीं है, सपना था उनका कि किसी प्रकार से वो मंदिर बनते हुए देखें। मेरे पिताजी आज दुनिया में नहीं है, उनका भी सपना था कि मंदिर को वो अपने सामने बनते हुए देखें। हम उन भाग्यशाली लोगों में हैं जिनकी आंखों के सामने मंदिर बन रहा है, भव्य मंदिर बन रहा है, तो हम कैसे सब बर्दाश्त कर सकते हैं चित्रा जी? लेकिन मंदिर का राजनीति फायदा उठाने की कोशिश तो की जा रही है ना, ये आरोप लग रहे हैं आप लोगों के ऊपर। चित्रा जी कौन राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है? इस राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश वो लोग कर रहे हैं जो कभी राम मंदिर बनने ना पाए, इसको लेकर तमाम प्रकार के अड़ंगे लगाते थे। सीपीएम जिसको आप लोगों ने न्योता भेजा है उसके नेताओं ने यही कहते हुए मना कर दिया। नहीं देखिए किसके नेताओं ने मना कर दिया क्या, उस पर मैं जाना ही नहीं चाहता हूँ। मैं तो सिर्फ इसके ऊपर कि जिन्होंने राम का लगातार अपमान किया, जिन्होंने राम भक्तों की हत्या कराई और आज तक माफी नहीं मांगी, ऐसे लोगों को मंदिर में प्रवेश ना दिया जाए, उनको ना बुलाया जाए और ना ही उनको प्रवेश दिया जाए। मैं अयोध्या के लोगों से भी मैंने आग्रह किया कि इस प्रकार के लोग यदि अयोध्या में भी आ जाए उनको प्रवेश न करने दिया जाए। मुझे लग रहा है कि आप लोगों को उकसाने और भड़काने का काम कर रहे हैं और एक सांसद होने के नाते आपको इससे बचना चाहिए सुब्रत पाठक जी। नहीं जी चित्रा जी, मैंने किसी को भड़काने का काम नहीं किया है, लेकिन अब यह भी बर्दाश्त नहीं होगा कि कोई हमारी आस्था को अपमान करता रहे और लगातार करता रहे, हम चुपचाप होकर बर्दाश्त आखिर कब तक करेंगे? बर्दाश्त करने की चित्रा जी एक सीमा होती है। चलिए फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया।